हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए रेलगाड़ी से संबंधित यानी कि रेलगाड़ी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं जो आपसे नहीं बनते हैं लेकिन परीक्षा में तो ये पूछे जाते हैं, तो आप अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपको सीखने पड़ेंगे। और जो तैयारी मैं आपके लिए कराऊंगा वो रहेगी एक मिनट से कम समय में आपको सवाल करना है, क्योंकि आपकी तैयारी अगर एक मिनट से कम समय में है तो आप एग्जाम के लिए तैयार हो, वरना अगर आप किसी भी सवाल को 4 से 5 मिनट में कर रहे हो तो आपकी तैयारी अभी पूरी नहीं है। आपको कोई भी सवाल एक मिनट के अंदर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, एक रेलगाड़ी ए से बी तक 60 किलोमीटर की चाल से जाती है और बी से ए तक 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से वापस आती है, इस यात्रा के दौरान रेलगाड़ी की औसत चाल क्या है? सबसे पहले तो आपको जो औसत चाल का फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए, वो मैं यहां पे लिख देता हूं। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद तो आप भी लिख लेना और याद कर लेना। 2xy बटे में x प्लस वाई, याद रखना। अब देखो, कोई दूरी है a से लेकर b तक, तो मैं यहां पे a से लेकर के b तक की कोई दूरी है, इसको आप क्या करते हो, 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाते हो और 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से वापस आते हो। जब आप गए थे तब आपकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी और जब आप वापस आए हो तो आपकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, यही तो बोला है। आपने एक ही दूरी को दो बार तय किया है, एक बार गए थे और एक बार वापस आए हो, एक ही दूरी को दो बार तय किया है, इसलिए यहां पे दो आया है। जो पहले वाली चाल है ना वो एक्स होती है और दूसरी वाली चाल आपकी वाई होती है। बस हो गया सवाल, दो लिखिएगा, इंटू एक्स आपका 60 है, इंटू वाई आपका 40 है और बटे में एक्स प्लस वाई दोनों को जोड़ देते हैं, तो 40 और 60 को आप जब जोड़ दोगे तो 100 हो जाएगा। अब देखो, दो जीरो से आप सीधा सीधा दो जीरो कटा दो, दो छक्के 12, 12 चौके 48, कितना आया 48। तो औसत चाल क्या निकल के आ गई, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि हमारे सी ऑप्शन में दिया गया है। क्लियर हो गया ना सभी को प्रश्न? अब यहां पे मैंने बताया औसत चाल ये एक ही दूरी को दो बार तय करने के लिए है। अगर एक ही दूरी को तीन बार तय किया जाए तो कैसे करेंगे, उसके लिए भी मैं यहां पे फॉर्मूला बता देता हूं, तब भी आपसे औसत चाल ही पूछेगा। ठीक है, जब एक ही दूरी को तीन बार तय कराएगा, जब तीन बार तय कराएगा तो तीन लेना है। हमने एक ही दूरी को दो बार तय किया तो दो लिया, अब तीन बार तय किया तो तीन लिया। ठीक है, एक्स वाई जेड, ठीक है। अब बटे में क्या आता है देखिएगा, बटे में आता है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये फॉर्मूला रख लीजिए, आप नोट कर लीजिए ये दोनों, ठीक है, ताकि आपको औसत के सवाल निकालने में कोई भी समस्या ना आए और आप इनको याद भी कर लेना, क्योंकि कभी भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, दो ट्रेन चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से शाम 6 बजे और 6:30 बजे चलती हैं। दिल्ली से चली कहां के लिए, चंडीगढ़ के लिए, ठीक है। पहली ट्रेन कब चली, 6 बजे चली, पहली ट्रेन कितने बजे चली, 6 बजे, और दूसरी ट्रेन चली 6:30 बजे, दूसरी चली है 6:30 बजे, ठीक है, दूसरी ट्रेन 6:30 बजे। जो 6 बजे चली थी ट्रेन उसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और जो 6:30 बजे चली है उसकी चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर वे दोनों ट्रेनें मिलेंगी, देखिएगा, दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए चली गई, पहली ट्रेन को हमने 6 बजे छोड़ दिया, वो 60 की चाल से जा रही है, दूसरी ट्रेन को 6:30 बजे छोड़ा है लेकिन वो 75 की चाल से जा रही है। अगर 60 की चाल से जाएगी तो कभी नहीं पकड़ पाएगी, क्योंकि आधा घंटा ये हमेशा आगे रहेगी अगर चाल बराबर होगी, लेकिन इसकी चाल ज्यादा दी गई है, जब ज्यादा दी गई है तो एक समय पर आके पकड़ ही लेगी, ये बात आप कंफर्म है। दूसरी बात आपको ये नोट रखनी है कि कोई भी गाड़ियां अगर एक ही डायरेक्शन में जाएंगी तो उनकी चालों का अंतर करोगे आप, और एक दूसरे के विपरीत होंगी, जैसे एक ट्रेन इधर से जा रही है दूसरी ट्रेन इधर से आ रही है, उनकी चालों को प्लस करते हैं, और एक ही डायरेक्शन में जाएंगी तो चालों का क्या करते हैं, अंतर, तो चालों का आपको अंतर कर लेना है, बस समझो आंसर आ जाएगा। देखो, 60 और 75 का अंतर हम करेंगे, ये 60 और ये 75 दोनों का जब आप अंतर करोगे तो कितना हो जाएगा, 15, यानी कि ये वाली जो ट्रेन है ये 15 मिनट पकड़ती है हर घंटे में,
यानी कि एक घंटे में 15 मिनट इस ट्रेन को ये पकड़ रही है। क्लियर है इतनी बात? एक घंटे में 15 मिनट पकड़ रही है, 15 किलोमीटर पकड़ रही है। अब हमारी ये वाली जो ट्रेन है, हमारी ये वाली जो ट्रेन है कि 6 बजे चली है 60 की चाल से, और ये 6:30 बजे, यानी कि ये आधा घंटा पहले चली है। तो ये एक घंटे में 60 चल रही है, तो आधे घंटे में कितना किलोमीटर आगे निकल गई? 30 किलोमीटर ये वाली ट्रेन आगे निकल गई है ना। और ये दूसरी जो ट्रेन है ये प्रत्येक घंटे में 15 पकड़ रही है, तो 30 किलोमीटर को पकड़ने में कितना समय लगेगा? 15 से काट दो, 2 घंटे का समय लगेगा। क्लियर है ना? 2 घंटे का हमको समय लगेगा। तो हमसे पूछा क्या था वो बताना, कितने किलोमीटर की दूरी पर वे दोनों ट्रेनें मिलेंगी। ये पूछा है कितने किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी, ठीक है? तो चलिएगा, आप आसानी से चला लो, हमारी ट्रेन ने 2 घंटे में पकड़ा है, ये वाली जो ट्रेन है ना इसने 2 घंटे में पकड़ लिया इस ट्रेन को। यानी कि मान लो ये वाली ट्रेन यहां पे चली तो ये वाली ट्रेन भी यहां पर ही आ गई, दोनों बराबर पे, और जब बराबर पे आएंगी तो वहीं पे मिलेंगी। तो यही तो पूछा है दोनों ट्रेनें कब मिलेंगी, तो यहां पे मिल जाएंगी। तो जो दूसरी वाली ट्रेन है उसे को 2 घंटे लगे हैं, तो 75 की चाल से जा रही थी ये, तो पहले घंटे में 75 मिनट लगे, दूसरे घंटे में भी 75 लगे, 75 और 75 कितना हो जाएगा? 150। देखो बी ऑप्शन में दिया गया है, ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, एक 260 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे पुल से 19 सेकंड में गुजर जाती है, तो ट्रेन की गति क्या है? यानी कि चाल पूछ रहा है, और चाल ऑप्शन में देखिएगा किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है। हम जब मीटर में सेकंड से डिवाइड करेंगे तो जो चाल निकल के आएगी वो मीटर प्रति सेकंड में होगी, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा तो चाल को बदलना होगा। हमसे क्या पूछ रहा है? चाल। तो चाल बराबर क्या फॉर्मूला होता है? दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, ये फॉर्मूला होता है। चलिए हम चाल निकाल रहे हैं, दूरी हमारे पास कितनी है? 260 और 120 दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 380, क्योंकि जितनी भी दूरियां होती हैं सबको जोड़ देते हैं। समय है 19 सेकंड का, 19 दूनी 38 और 1 0, तो हमारे पास चाल आ गई 20 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन हमसे तो किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर में चेंज करेंगे, बड़ी यूनिट में चेंज करेंगे, तो बड़ी संख्या ऊपर रखते हैं यानी कि 18 और बटे में आ जाएगा 5। 5 चौको 20, 18 चौको 72, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति आवर। ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सी ऑप्शन। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, एक ट्रेन 40 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलती है, एक आदमी 25 किलोमीटर की चाल से समान दिशा में ट्रेन के समांतर चल रहा है, यदि ट्रेन 48 सेकंड में उस आदमी को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई क्या है? लंबाई मतलब दूरी पूछ रहा है। तो दूरी बराबर जो फॉर्मूला होता है याद होना चाहिए, दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल गुने समय होता है, ठीक है? अब समय पहले लिख दो चाहे चाल बाद में लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, चाल हमारे पास कितनी है? चाल हमारे पास दी गई है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की, ठीक है? हमारे पास चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटे की है, और यहां पे जो व्यक्ति की चाल है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की है। तो हमें क्या करना होगा? दोनों एक ही डायरेक्शन में है, यानी कि हमारी जो ट्रेन इस दिशा में जा रही है और व्यक्ति भी इसी ही दिशा में जा रहा है। जब एक ही दिशा में दोनों जाते हैं तो इनकी चालों को हम क्या कर लेते हैं? अंतर, ठीक है? तो 40 और 25 का अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा? अंतर आ जाएगा आपका 15, ठीक है? 15 किलोमीटर प्रति आवर अंतर आ जाएगा आपका 15 का, ठीक है? यहां तक कोई समस्या नहीं। तो चाल हमारी 15 की हो गई, तो समय हमारे पास कितना लग रहा है? 48 सेकंड का, तो हमारे यहां पे 48 लिख लेंगे, ठीक है? यदि ट्रेन 48 सेकंड में उस आदमी को पार करती है, चाल हमारे पास 15 की है, समय हमें इधर लिखना है, इधर हमें चाल निकली जो कि 15 की है, ठीक है? ये हमारे पास चाल है 15 की, समय लग रहा है 48 सेकंड का, दोनों का कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है? चलो 15 8 15 6 90, 15 7 105, 15 8 120, 120 का 0, कैरी का 12। देखो 120 हम ऐसे लिखते हैं, जब 0 आ गया तो कैरी का 12 आ गया, तो 15 चौके 60, 60 में जोड़ देंगे 12, तो ये हो जाएगा 72। कितना हो जाएगा भैया? 72। तो हमारे पास जो दूरी निकल के आ गई वो कितनी आ गई? 72। अब हमारे पास ये दूरी जो है वो 72 निकल के आई है, लेकिन हमें करना क्या है? हमने इसमें एक चीज को मिस कर दिया ना, कि हमारी जो चाल थी वो किलोमीटर प्रति घंटे में थी, और पूछ किस में रहा है? मीटर में पूछ रहा है। तो हमारी जो चाल है वो हमें चेंज करनी है,
मीटर पर सेकंड में चाल को चेंज करेंगे। चाल हमारे पास 15 की है, छोटी यूनिट में चेंज करेंगे, छोटी संख्या को ऊपर रखेंगे, बटे में कितना आ जाएगा हमारा 18। ये हमारे पास चाल, इसको चेंज करना है चाल को, ठीक है। जब इस चाल को चेंज करेंगे तभी तो आंसर सही आएगा। तो बस अब निकाल लीजिए, दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल हमारे पास कितनी है, 15 × 5/18 गुने समय है 48 का। अब हमें इसको चेंज कर लेना है, काट लेना है और हमारे प्रश्न का आंसर आ जाएगा। देखो 3 × 6 = 18, 3 × 5 = 15, 6 से कटाऊंगा, 6 × 8 = 48, 5 × 5 = 25, 25 का मल्टीप्लाई कर दो 8 से तो ये हो जाएगा 200। तो हमारे पास जो दूरी है वो 200 मीटर की, ये वाली नहीं है, ये तो गलत है। ये गलत आएगा हमेशा आंसर, जब आप यूनिट को चेंज नहीं करते हो तो गलत आता है। मैंने यूनिट चेंज नहीं की थी, मेरा भी गलत आ गया, इसलिए आपको यूनिट चेंज करना जरूरी है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, दो ट्रेन जिसकी लंबाई 132 मीटर व 108 मीटर है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में 32 और 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही हैं। जिस क्षण से परस्पर मिलती हैं, उस क्षण से वे एक दूसरे को पार कर लेंगी। बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा यहां पे जो ट्रेन है हमारी वो एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत। एक ट्रेन इधर से जा रही है, दूसरी ट्रेन सामने से आ रही है। जब विपरीत होती है, आमने सामने से आती है, तो इनकी चालों को हम प्लस कर लेते हैं, ठीक है। उनकी चालों को हम क्या कर लेंगे, प्लस करेंगे। और एक ही डायरेक्शन में जब होंगी तो उनकी चालों को हम क्या कर लेंगे, अंतर कर लेंगे। चलिए यहां तक बात क्लियर हो गई। अब आपके पास देखो दूरी भी है, चाल भी है, लेकिन समय नहीं है। आपको समय ही तो निकालना है, समय निकालना है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है। अब दूसरी बात इसमें यह है, हमारे पास जो समय है वो सेकेंड में दिया गया, तो हमारे पास जो चाल है वो किलोमीटर में है, हम इसको मीटर पर सेकंड में पहले चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो 32 और 40 को जोड़ लो, क्योंकि एक दूसरे के आमने सामने से हैं, तो जोड़ते हैं इनकी चालों को। 32 और 40 को जोड़ेंगे, ये 72 हो जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, छोटी यूनिट में चेंज करेंगे तो छोटी संख्या ऊपर रखेंगे, बटे में 18, 18 से कट जाएगा 4 × 4 = 20, 20 मीटर प्रति सेकंड चाल आ गई, 20 मीटर प्रति सेकंड। अब आसानी से आप इसे निकाल लीजिए, दूरी हमारे पास देखो कितनी है, 132 और 108 दोनों को जोड़ लेंगे, 240, ठीक है। चाल है 20 सेकंड की, 20 मीटर प्रति सेकंड, 0 से 0 गया, 2 से 24 को कटाऊंगा, 12 बार में गया, तो कितना समय लगेगा, 12 सेकंड का समय लगेगा। सी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी बिना रुके एक निश्चित दूरी को 90 किलोमीटर पर घंटे की औसत चाल से तय करती है, लेकिन विराम के साथ रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो वह एक घंटे में कितने मिनट रुकेगी। बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा वो 90 किलोमीटर की औसत चाल से तय करती है, ठीक है, बिना रुके। भाई बिना रुके एक रेलगाड़ी एक निश्चित दूरी को, वो दूरी कितनी है वो नहीं पता है, एक निश्चित दूरी को 90 किलोमीटर पर घंटे की औसत चाल से तय करती है, लेकिन जब वो विराम के साथ की चाल 72 है, यानी कि विराम का मतलब है वो रुक रुक के चलती है, तो उसकी चाल 90 से हट करके 72 हो जाती है, एक घंटे में कितने मिनट रुकेगी। चलिए हमारी जो पहले वाली चाल है उसे लिख लो 90 किलोमीटर प्रति घंटा, जो बाद वाली चाल है उसे लिख लो 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यही तो दिया गया। दोनों चालों का अगर मैं अंतर कर लूंगा तो कितना आ जाएगा भैया, 18। दोनों चालों का मैं अंतर कर लूंगा तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 18 आ गया। पहले वाली चाल हमारी कितनी थी, बिना रुके 90 थी, 90 से मैं क्या करूंगा, इसमें डिवाइड दे दूंगा, 18 × 18 = 18, 5 = 90, यानी कि 1/5 आ गया, ठीक है, 1/5 आ गया। इसको बस आवर से यानी कि घंटे से मल्टीप्लाई कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा 1/5 आवर, मतलब एक आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, तो 60 से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कटा दो, ये 12 बार में कट जाएगा, 12 का मतलब एक से करो 12, तो 12 मिनट का समय लगेगा। ये सवाल यही खत्म हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।